तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक नया तरीका ट्राई कर रहा हूँ जिससे मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट कर सकूँ, और मैंने आपको कहा भी था कि अगर वो उससे कुछ मतलब होता है या उससे बीज आती हैं तो मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। तो वो तरीका मैंने इस वाले बॉक्स पे अप्लाई करा था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्काउट बीज आ रखी हैं, और ये तरीका मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित हुआ है। आपको अगर चाहिए तो मैं इसकी वीडियो भी ला दूंगा, और कैसे हुआ ये और हमने क्या किया उसको जानने के लिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें। और इसी के साथ साथ आज हम कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहले तो हम इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि ये मधुमक्खियाँ कैसे आई, और इसी के साथ साथ हम और भी ये बात करेंगे कि जैसे मेरे को सवाल आते हैं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बीकीपर भाइयों के कि मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं और क्या कमियां हैं क्या खामियां हैं जो उनसे हो रही हैं, वो भी बताऊंगा मैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारे इस वाले बॉक्स में भी स्वार्म आ गया है नया, और देखिए आप कितना स्ट्रांग स्वार्म लग रहा है ये। और मैं इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये स्वार्म अभी इस टाइम पे आएगा हमारे बॉक्स में, क्योंकि अभी 5:30 बज चुके थे जिस टाइम पे ये आए थे, और इस टाइम पे हमारे यहाँ थोड़ी ठंड हो जाती है और मतलब थोड़ा अंधेरा सा भी हो जाता है, और मधुमक्खियाँ ऐसे टाइम पर आती नहीं है ज़्यादातर, पर ये पूरे स्वार्म आ गया इस टाइम पर। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताऊँगा कि जो स्वार्म है स्कॉर्ड बीज हैं उनका टाइम क्या होता है लगने का, और मतलब पूरे बीज के स्वार्म के आने का टाइम क्या, पूरा टाइम टेबल शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी मेरे इलाके में गर्मी आनी शुरू हो गई है तो इस टाइम पे मधुमक्खियों के डिवीजन हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, पर जितने मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं वो कुछ जम्मू कश्मीर से हैं और कुछ हिमाचल प्रदेश से हैं जहाँ पे अभी भी ठंडी है, और वहाँ पे अभी मतलब वसंत ऋतु चालू नहीं हुआ है और मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा उन इलाकों में। तो वहाँ के लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि क्या अभी मेरे यहाँ डिवीजन वगैरह शुरू हो गए हैं, तो हाँ मेरे यहाँ डिवीजन शुरू हो चुके हैं। मेरे जो इलाका है यहाँ पर अभी गर्मियाँ आनी चालू हो गई हैं और मधुमक्खियों ने डिवीजन करना चालू कर दिया अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये वीडियो स्लो मोशन में इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पे क्वीन भी एकदम दिख रही थी, और क्या आप देख सकते हैं क्वीन भी, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने आपको दिखाने के लिए ये फुटेज निकाला था। तो जब भी ऐसे कोई नया स्वार्म आता है मेरे बॉक्सेस में तो मैं सबसे पहले ये नोटिस करता हूँ कि क्या जो उसमें क्वीन भी है वो मेटेड है या नहीं है, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे कि मेटेड है या नहीं है तो उससे हमको थोड़ा आइडिया रहता है कि जो ये स्वार्म आया है ये मतलब पुरानी कॉलोनी से डिवीज़न हुआ है या कोई नई कॉलोनी से डिवीज़न हुआ है। तो इस वाले केस में जो हमारी क्वीन भी थी वो मेटेड थी, तो ये कोई पुरानी कॉलोनी से डिवीज़न हो रखा था, और इसलिए जो हमारी कॉलोनी आई है यहाँ पे डिवीज़न होकर ये थोड़ी स्ट्रांग कॉलोनी है, क्योंकि जो हमारी जो क्वीन है वो पुरानी है मेटेड क्वीन है तभी इसके साथ थोड़ी स्ट्रांग कॉलोनी आई है, अगर नहीं होती बाय चांस तो वो वीक कॉलोनी होती। और क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम पड़ी है तो इस साल हमारे यहाँ थोड़ा गर्मियाँ भी जल्दी स्टार्ट हो गई हैं, अगर बारिश हो रही होती तो अभी भी ठंडी रहती थोड़ी सी। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिसको मैंने इस वाले बॉक्स में अप्लाई करा था जिससे मतलब ये मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट हुई हैं। अब मैं एकदम श्योरली तो नहीं जानता हूँ कि उसी तरीके से अप्लाई हुई हैं नहीं हुई हैं, पर मैंने जो तरीका अप्लाई करा था वो मैं आपको भी बता देता हूँ, और मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाऊँगा अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि कोई रिजल्ट दोबारा से आता है या नहीं। तो तरीका ये था कि मेरे घर के पास लिप्टिस के पेड़ हैं बहुत सारे, तो मैंने क्या किया कि लिप्टिस के फूल ले लिए थोड़े से, और थोड़ा सरसों के फूल भी ले लिए, सरसों का जो पौधा होता है उसके फूल ले लिए, और साथ ही साथ पोलन और थोड़ा नेक्टर भी ले लिया, नेक्टर मतलब थोड़ा सा शहद ले लिया, और इन सबको मिलाया मैंने, और नॉर्मली मतलब उनको थोड़ा पतला सा उनका पीस कर पेस्ट बना दिया। और ये सब मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा लिए होंगे, ज़्यादा नहीं लिए बिल्कुल भी, थोड़ा सा, जिससे कि जो हमारा बॉक्स है ट्रेडिशनल बॉक्स लॉग हाइव, मैं मॉडर्न बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लॉग हाइव है ट्रेडिशनल बॉक्स है आपके पास उसके अंदर स्मेल क्रिएट करने के लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। अगर आप पे लिप्टिस का पेड़ नहीं है आसपास कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पे सरसों का पौधा नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल ही पोलन और नेक्टर को जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था वैसे भी कर सकते हैं, पर ये मैंने एडिशनल ऐड करे जिससे कि जो हमारा बॉक्स है उसमें स्मेल आ जाए, सिर्फ स्मेल के लिए करा है मैंने, और ज़्यादा नहीं लिए थोड़े से लिए मैंने थोड़ा थोड़ा जिसको मैं पूरे बॉक्स में अप्लाई करके उनकी स्मेल ला दूँ बॉक्स के अंदर। तो ये सब लिए मैंने, इनका पेस्ट बनाया और इसको मैंने अपने बॉक्स के अंदर लगा दिया खाली स्मेल के लिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होने से भी मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, खाली थोड़ा थोड़ा स्मेल के लिए लगा दिया, और फिर वैसे ही स्मोक वगैरह करके जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखा रखा है सेम वैसे ही स्मोक करके मैंने अपना एंट्रेंस में भी थोड़ा बहुत हल्का सा लगा के ताकि स्मेल आ जाए वो लगा कर फिर मैंने बस छोड़ दिया था, और इसमें 2 दिन में ये आ गई थी, 2 दिन भी नहीं मतलब 2 से 3 दिन के अंदर ये वाली मधुमक्खियाँ आ गई थी।
तो अब क्या इसको इतना करने के बाद मैं अगली वीडियो भी आपको इस चीज़ की दिखाऊंगा, पूरा बनाकर दिखाऊंगा अगर आप बोलेंगे तो, और फिर एक मतलब हम चेक कर लेंगे कि क्या उसमें भी मधुमक्खियां आती हैं, अगर आएंगी तो फिर आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मेरे इलाके में सीजन की शुरुआत ही है और इस साल अभी शुरुआत होते होते ही 5-6 कॉलोनीज आ चुकी हैं मेरे बॉक्सेस में, और मेरे को लगता है कि अभी आगे और भी आएंगी काफ़ी। तो 5 या 6 में से मैंने आपको 3 वीडियो तो दिखा दी हैं, मैंने और वीडियोस बना रखी है, पर मेरे को लगता है कि मतलब एक ही कंटेंट बार बार डालना अच्छा नहीं रहता, आप भी देख देख के बोर हो जाएंगे एक चीज़ें। तो अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली लाऊं कि मतलब अट्रैक्ट करने वाले तरीके की, जो मैंने नया तरीका सोचा है और मैं करके देखूंगा, तो और अगर उसमें आए तो आप भी कर सकते हैं उसको। अभी आप ट्राई मत करना, मैं एक और बार ट्राई करके देखूंगा, अगर उसमें आती हैं तब आप ट्राई करना। तो जो अगली वाली वीडियो होने वाली है वो मेरे को लगता है इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी और काफ़ी मतलब हम चीज़ें सीखेंगे उस वाली वीडियो में। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और मैं आपके साथ ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा, आपको नई नई चीज़ें दिखाता रहूँगा। इसी के साथ साथ मुझसे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने ऐसी बातें बोल रखी हैं कि मतलब उन्होंने मेरा तरीका करने की कोशिश करी है, पर साथ ही साथ उन्होंने साथ में चीनी और मिश्री और गुड़ ऐसी चीज़ें भी मिला रखी हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप ऐसी चीज़ें मिलाएंगी तो मधुमक्खियाँ नहीं आने वाली, मधुमक्खियाँ गुड़ से तो आती नहीं है और चीनी डालेंगे तो मधुमक्खियाँ सिर्फ चीनी खाने के लिए आएंगी और जो रॉबिंग बीज होती हैं वो आएंगी, मतलब जितना खा सकती हैं खाएंगी और फिर चले जाएंगी, वो अट्रैक्ट नहीं होते ऐसे बिल्कुल भी। शायद भी मैंने आपको तभी बता रखा था कि ज़्यादा नहीं मिलाते क्योंकि रॉबिंग बीज ज़्यादा आती हैं ऐसे, और स्मोक वगैरह करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप आपको करनी चाहिए, उससे आप बहुत असर पड़ता है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ भी अलग करेंगे तो मधुमक्खियाँ ऐसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। और बहुत से लोग मेरे को ये भी बोलते हैं कि जो भी मैं बताता हूँ वो स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर रहे हैं और फिर भी नहीं आ रही, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से एक है लोकेलिटी, कि आप कहीं शहर वाले इलाके में हो जहाँ पे आपके आसपास फूल वगैरह ना हो तब भी मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं, और इसके साथ साथ एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ अभी सीज़न स्टार्ट ना हुआ हो, डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुए हो मधुमक्खियों के तब भी नहीं आ रही हों, या आपके आसपास कहीं भी ऐसा कोई स्वार्म ना हो तब भी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों यार कर दो यार सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में यार कोई भी सवाल हो कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछना, मैं आपको आपकी मदद करता हूँ, आपको जितनी भी सलाह दे सकता हूँ देता हूँ। बस मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।